hello everyone today we will study explanation of second part of this chapter the indian religions in previous video we have already completed hinduism religions now this video we are studied zoroastrianism zoroastrianism it means uh, parsi dharm now we are studied zoroastrianism is the ancient uh, religions of iran जोरास्टर्स और जोरास्टर द प्रोफेट ऑफ पारसीज इरान फॉलो दिस रिलीजन्राउंड सेंचुरी बी सी द फॉलोड ऑफ दिस रिलीजन्स आर नोन एज पारसीज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इट बीन्स जोरास्ट जो था ये सिकस्थ बी सेंचुरी में स्टार्ट से जाना जाता है और इस रिलीजन्स को जो है ये पारसी के नाम से जाना जाता है According to Jourastunism, there is only one God, who is known as Ahur Mazda. He is the God of good forces, Eliza light and wisdom. Evil is represented by Ariman. There is always solid between the two and the unmeted winner in the good force. This religion teaches the follow of right deeds. राइट थिंकिंग्स एंड राइट स्पीच एज इन जैनिज़्म ये जो धर्म है ये आपको इसके जो गुरु के रूप में जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है आहुर मजदाँ ये इनको भगवान के रूप में माना जाता है ये धर्म जो है हमको शिक्षा देता है राइट डिट्स राइट थिंकिंग्स एंड राइट स्पीच मतलब सत्य जो सोच है सच्चे विचार सत्य बातचीत इसी पर ये मतलब फोकस सिखाता है और इसका जो है ये जैनिज्म और बुद्धिज़्म की तरह इसका भी ये भी शिक्षा प्रदान करता है इफ़ द पर्सन राइट और गुड एक्शन आर मोर देन दिल ही गोज टू हेवन अदरवाइज टू द हेल जो रास्ट ऑफर प्रेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर दे वर्शिप सन एंड फायर ये जो है ये मतलब सूर्य भगवान और आग ये दो का जो पूजा की जाती है इस रिलीजन्स में और इसमें जो है ये इनका मानना है इनके जो इस धर्म के जो मानने वाले हैं उनका मानना है कि आप यदि अच्छा करते हो और सच करते हो तो आप स्वर्ग में जाओगे अदरवाइज आप नर्क में जाओगे ये सोचता स्क्रिप्ट स्क्रिप्चर्स देर होली बुक्स इन इज अवेस्टा इट्स कंटेंट्स गाथाज इन पार्सिस ऑफ जोरास्टर विच आर रिसिप्टेड एवरी डे इनका जो पवित्र बुक है जो पुस्तक है धार्मिक पुस्तक उसका नाम है अविस्ता जिसमें कि बहुत सारे ग्रंथ और ग्रंथ लिखे गए हैं जो गाने के रूप में हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग जुदाइज्म जुदाइज्म का अर्थ है यहूदी धर्म इज द रिलीजियंस फॉलोड बाई द ज्वेल और हिब्रू हिब्रू जो है इसको फॉलो करते हैं द हिब्रूज़ फर्स्ट लिव्ड इन मेसोपोटामिया दे दीडर माइग्रेट टू द दलस्टाइन हिब्रू एस्टैब्लिस्ड देयर अंटाइडेड स्टील इन पेस्टाइन विथ जेरूसलम एज देयर कैपिटल इसका जो कैपिटल था वो जेरोसलम था इन सेवेंटी सी ई मेनी ज्वेल्स लेफ्ट प्लसटाइन एंड सेटल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ये थे जो पहले जो थे ये क्या थे कि प्लेसटाइन इट मीन्स फिलिपस्तीन यहाँ पे निवास करते थे यहीं पे रहते थे और अपना जो था ये समय समय पे क्या करते थे पलायन करते थे इट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह सेटल हो जाया करते थे तो पहले जो थे ये प्लेसटाइन इट मीन्स फिलिस्तीन में थे देन बाद में जो थे ये ये जेरूशलम यहाँ पे सेटल हुए और धीरे धीरे करके ये वर्ल्ड के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में ये सेटल हुए दे इज वेल बिलीव इन वन सिंगल गॉड जेहू ये जो थे एक ही भगवान पे विश्वास रखते थे जिनका नाम था जेहू जिनको कि यह वेह कहा जाता था ही लव्ड हिज पीपल बट पनिस्ड द रोंग डोयर और द सीनर मतलब जो थे इनका जो था ये अपने जो लोगों थे उनसे लोग थे उनसे बहुत ये प्यार करते थे और बहुत करते थे लेकिन उन्हें गलती पर पनिशमेंट भी देते थे जैसे कि जैसे कोई गलत किया या फिर कोई पापी जो है उसको जो इस सीनर है इस इट मीन्स होता है पापी फिर आपको रॉन्ग में, इट मीन्स जो गलत काम करते हैं उनको ये उन्हें जो थे सज़ा भी पनिशमेंट भी बहुत ही देते थे दे विलीव इन द कमिंग ऑफ मसीहा ऑन द अर्थ ऑफ प्योरिटी एंड हेब्रू कैन क्लीन ऑफ़ द वर्ल्ड ऑफ ऑल सेन इट मीन्स ये जो इनका मानना था कि मसीहा आएगा और पृथ्वी पे जितनी भी गंदगी है और जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनका सफाई करेगा ये सब इनका मानना था स्क्रिप्चर इट मीन्स इनके इनका भी एक धार्मिक पुस्तक जो शास्त्र था वो था ओल्ड टेस्टमेंट एंड द एपोगोग्राइफ आर देयर स्क्रेट बुक दिस स्क्रिप्चर कंटेन द हिस्ट्री ऑफ जेल एंड द रूल ऑफ द फॉलोड बाई एवरी जेवस दे ऑल्सो कंटेंट लीजेंड एंड द पोएटिक वर्सेस टू टीच दैम एंड राइट वे टू लीव they contains knowledge of medicine and astronomy the people of supported of offer prayer of god every day the, the jewish temple is known as the synagogue ye jo tha inka जो temple था, था जो पवित्र स्थान और जिसको मंदिर कहा जाता है वो ये था साइनोगो ग्यू कि उनका नाम था Next जो uh, रिलीजियंस था वो है Jainism. The Jain Dharm. According to Jain tradition, there are 24 Trithankar. The first Trithankar was Rishabhdev. There is lack of orthognathic information about the first 22 Tirthankar. The 23rd Tirthankar was Parsvanath. He belonged to the royal family of Kasi. He left his house and carried on hard presence of 84 days. After which attained supreme uh, knowledge, his teaching were uh, adopt non-violence, not to tell a lie, not to steal any things, not to own pro property of, he preached that the attained moksha penance was a must. Later his teaching became a dexterity of Jainism. His sculpture. सक्सेस ऑफ महावीर मतलब इसमें जो थे चौबीस तीर्थंकर थे जो जो पवित्र गुरु होते हैं उसमें चौबीस थे चौबीस थे जो कि पहले जो हैं वो फर्स्ट तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे और ट्वेंटी थर्ड जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे मतलब बहुत ही उच्चे घराने से मतलब राजे महाराजे की तरह उनसे बिलोंग करते थे जो कि अपना घर वार छोड़ कर और फिर ये धर्म को अपनाए और इसमें अपना जीवन यापन किए ट्वेंटी फोर डेज एटी फोर डेज़ तक ये जो हार्ड जो होता है कठिन तपस्या के बाद ये जो थे आ, ये अटेंड किए और इनको मतलब सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ उसके बाद जो इन्होंने शिक्षा दी थी जो वे एडॉप्ट नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा को अपनाना फिर था नॉट uh, लाइज मतलब झूठ नहीं बोलना नॉट टू स्टील एनी थिंग्स नॉट टू ओन प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति का जो था वो उसको अपना नहीं समझते थे ही इज प्रीज द टेंट ऑफ मोक्ष मतलब मोक्ष के लिए भी इन्होंने जो था मोक्ष को प्राप्त किए देन आते हैं द अर्लियर नेम ऑफ महावीर द वर्धमान उसके बाद जो सबसे लास्ट जो थे तीर्थंकर उनका नाम था महावीर स्वामी वो जो थे उनका एक्चुअल में नाम था वर्धमान ही वॉज बॉर्न ऑन इन फाइव हंड्रेड फोर्टी बी सी द नेम ऑफ दिस फादर वॉज सिद्धार्थ ही लेफ्ट हिज रॉयल फैमिली होम एट द एज ऑफ थर्टी मतलब ये भी इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था श्रीसला था और ये थर्टी ईयर्स में अपने ये भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और तीस की उम्र में ये जो थे अपना घर छोड़कर इस धर्म को अपनाएं और और एक ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मतलब तप करने के बाद जो थे ये इस धर्म और इससे जो इसके धर्म से संबंधित जो सुप्रीम नॉलेज प्राप्त किए ही फॉलो टू ब्रह्मचार्य मतलब ये इनका मानना था कि आ, नॉट मतलब शादी नहीं करना चाहिए ही वॉन्टेड टू फॉलो द डिस्कार्ड वेरिंग क्लॉथ मतलब ये वस्त्र जो था उनको पहनने से भी ये त्याग किए थे इन्होंने लेटर ऑन जेनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन दिगम्बर हु दो नॉट बियर क्लॉथ एंड द स्विदम्बर हु बियर अ ओनली वाइट क्लॉथ मतलब इसमें जो था इस धर्म से संबंधित दो भागों में बट गया था जैसे कि जो एक जो थे जो कि वस्त्र नहीं पहनते थे वो दिगंबर थे और दूसरे जो थे स्वेतंबर जो कि केवल सफेद वस्त्र पहनते थे महावीर सजेस्टेड थ्री वे टू तो अटेंड मोक्ष उनका जो था तीन मोक्ष प्राप्ति का वो साधन मानते थे राइट फैट राइट एक्शन राइट नॉलेज मतलब सच का साथ देना सच के लिए कार्य करना और सच्चे को मान आ, क, का ज्ञान सच का सत्य का ज्ञान इसको ये मानना था जैन नोन ए रत्न और थ्री ज्वेल्स जिसको कि थ्री रत्न मतलब तीन रत्न के नाम से और थ्री ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है लेड इट ग्रेट इन्फॉर्मेशन ऑन द अहिंसा और नॉन वायलेंस इन वन ऑफ वंस लाइफ देन स्क्रिप्ट कल्पसूत्र इन संस्कृत इज फेमस वर्क ऑफ जैनिज्म ये जो था इनका मतलब इस धर्म से संबंधित शाही शास्त्र का नाम है इट कंटेंट्स बायोग्राफी ऑफ द ट्वेंटी फोर तीर्थंकर एंड द रूल ऑफ एब्जॉर्ब बाय दैन जैन मुनीस हेमचंद्र वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन राइटर ये जो थे हेमचंद्र ये बहुत ही प्रसिद्ध जैन के लेखक थे द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ जैन स्कल्पचर इन सेवेंथ सेवेंटी फिट हाइट स्टैचू ऑन दिल टॉप ऑफ स्रवन वेलगोला इन कर्नाटका स्टेट जो सेवन फिट जो है वो हिल पे स्थित है बहुत ही फेमस है जैनिज्म फ्लोरिस्ट मेनली इन वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया अलाइज तमिलनाडु कर्नाटका गुजरात राजस्थान मालवा उड़ीसा एक्सेट्रा देन नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म रिलीजियंस गौतम बुद्ध वॉज अ फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म ये जो थे बुद्ध जो थे बुद्धिज्म धर्म के ये जो है गौतम बुद्ध फाउंडर थे ही इज़ रियली नेम ऑफ सिद्धार्थ ही वॉज बॉर्न ऑन फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री बी सी At Lumbini in Taraitu of Nepal. His father was Subdodhan and the mother was Mahamaya. He was the only child of his parents. When he grew up, he was married in Yosodhara. He's, he had a son, Rahul. He was totally detached from all the world fairly. ये ये जो थे ये सिद्धार्थ सुदोधन और म, इनके पिता थे और माता का नाम महामाया थी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था बेटे का नाम राहुल ये जो थे टोटली जो थे ये इनका जो मानना था वो मानते थे कि जो धन संपत्ति और वस्त्र या फिर कोई भी वस्तु सही में खुशी नहीं दे सकती किसी को भी सो ही लेव द फोम एंड रिज द ट्रुथ ऑफ रियल हैप्पीनेस इसलिए वो घर को छोड़कर और सही ज्ञान और सच और सही खुशी की खोज में निकल पड़े थे एट एज ऑफ थर्टी फाइव वेन ही वॉज सेटल्ड अंडर द पीपल ट्री इन गया ही गॉट अ इन लिगिंटमेंट एंड रियलाइज द ट्रूथ एंड वी कैम बुद्ध थर्टी फाइव के एज में ये पीपल ट्री जो था गया में जो है आज भी है इसके नीचे उन्होंने सही ज्ञान प्राप्त किया और वो इसके बाद से ही उनका नाम बुद्ध हो गया Then he passed away eighty uh, age of 80. Mein kar Gautam Buddha realized that he, uh, the real causes of misery of in desire. He explained four uh, noble truth as the way to the overcome desire. These are follows. Number one, the world is full of miseries. All suffering as uh, are caused by desire. मतलब जो पूरा संसार जो है बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है सभी जो है किसी न किसी परेशानी से या बीमारी से ग्रसित हैं टू रिमूव द सफरिंग ऑन द सुड एक्वायर्ड टू द डिज़ायर एंड ओनली वन द निर्वाण कैन बी अटेंड्स उनका मानना था इन सब से जो निर्वाण के बाद ही सभी मुक्त हो सकते हैं द डिज़ायर कैन बी रिमूव बाई फॉलोइंग दांगिका मार्ग और एट फोल्ड पैथ नंबर वन राइट ऑब्जर्वेशन राइट एक्शन राइट लीवुड राइट थिंकिंग राइट डिटर्मिनेशन राइट स्पीच राइट एक्सरसाइज राइट मेडिटेशन ये जो थे इनको वो मानते थे सभी को जो जितने भी कष्ट है पीड़ा है उससे दूर होने का बस ये आठ ही मार्ग बताते थे इस रास्ते पे चल के ही आप उस सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हो जिसमें है सही ऑब्जर्वेशन मैंने सही ध्यान सही कार्य सही जो है सच का मतलब सच का ध्यान में रखो जीव जीवन जीना राइट थिंकिंग मतलब जो सही सोच सही डिटर्मिनेशन सही स्पीच मैंने सही बोलो सही एक्सरसाइज सही डिटर्मिनेशन ये सारे जो थे वो मोच प्राप्ति के साधन थे बुद्ध रिक्लेयर दैट इफ वन फॉलोड द एट फैट फोल्ड फोल पैद ही कैन अटेंड द डिज़ायर गोल ये उनका मानना था इस आर्ट जो फैक्ट है उसमें से यदि आप फॉलो करते हो किसी एक को भी फॉलो करते हो तो आप डिज़ायर गोल को अपने गोल को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो ये आर्ट मार्ग जो थे वो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग थे स्केप्चर महात्मा बुद्ध वॉज साइलेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ गॉड एंड डिस्कार्ड कास्ट बेसिस ही ऑर्गेनाइजड संघाज वेयर विच वेयर ओपन टू ऑल बुद्धिज टीचिंग आर कम्प्लीटेड इन त्रिपिटिका तो त्रिपिटिका जो था ये इनका जो था स्क्रिप्चर था ही कंटेंट रूल फॉर मोक्श सेरमन्स एंड द पीपल एंड द बुद्धिज्म फिलोसफी दर थ्री पार्ट्स बुद्धिज्म स्प्रेड ओवर द श्रीलंका बर्मा चाइना नेपाल साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज लाइक वेटनम कम्बोडिया लोयस थाईलैंड एक्सेट्रा किंग्स अशोका एंड कनिष्का टूल्स स्पेशल इंटरेस्टेड इन पॉपुलरिजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एज वेल और द अबोर्ड जो अशोका किंग अशोका और कनिष्क जो थे वो इस धर्म को अपनाए भी थे और इन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी किया था प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कैसे अशोका ने अपने बेटे और ब, बेटे और बेटी दोनों को इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अदर कंट्री भी भेजा था नेक्स्ट आते हैं क्रिश्चियनिटी जीजस वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी रिलीजियस जीजस जो थे इसका फाउंडर थे देन जीजस क्राइस्ट के जीवन से संबंधित ये क्रिश्चियनिटी है He was born on Bethlehem, a village of Jerusalem. His mother name was Mary, and his foster father was Joseph. So in Kim Mary or Pitaganantha Joseph, he preached that there is only one God. He gave his message to the people in simple language, in the form of stories. He emphasized that God is great, Heller and ही लव हीज पीपल जस्ट फादर लव हिज चिल्ड्रन इनका मानना था कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इस पर इन्हें सजा दी गई थी जिसमें एक पिन के सहारे मतलब हिल लोहे के किल के थ्रू उन्हें उस पर हैंग कर दिया गया था इसीलिए जो ये साइन जो है क्रॉस का जो साइन है वी कैम ए स्केर्यड ऑफ सैम्बल ऑफ क्रिस्टनिज्म क्रिस्टनिज्म का ये सैम्बल है द स्केय डे ऑफ हिज डेट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे इस धर्म के मानने वालों को ऐसा मानना है कि इस जिस दिन ये डेथ किए थे मतलब गुड फ्राइडे के दिन जब उसके बाद ठीक तीन दिन के बाद इनका फिर से जन्म हुआ था जिसको लोग ईस्टर के रूप में मनाते हैं देर दिस इवेंट इज सेलिब्रेट एज द ईस्टर एवरी ईयर इनके और इनका जन्मदिन जो था ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर था जिसको एवरी ईयर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है जो कि क्रिश्चियन का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है स्क्रिप्चर इनका जो होली बुक था वो बाइबल है जो कि दो पार्ट में है ओल्ड टेस्टमेंट और है एक है न्यू टेस्टमेंट ओल्ड में जो है कंटेंट हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस बिलीव ऑफ द जेल्स जेल्स के जो विश्वास जो करते हैं उनके उनकी हिस्ट्री के बारे में इतिहास के बारे में लिखा गया है देन जो न्यू टेस्टमेंट है इसमें ये जो है कंटेंटमेंट्स बायोग्राफी एंड टीचिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के बारे का जीवन के बारे में लिखा गया है नाउ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटेड Do like, share and subscribe this video. Thanks for watching.